ये हो गया आपका किलोवाट आवर। नेक्स्ट, नेक्स्ट हो जाएगा किलोवाट आवर के बाद आपका टॉपिक कि इस पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब किलोवाट आवर का कैसे बनते हैं। आपको बोला जाएगा कि एक बल्ब है जो कि 60 वॉट का है, आपको कहा गया कि ये बल्ब दिन में 10 घंटे जलता है, 10 आवर्स अ डे। बोला जाएगा अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ मंथ बाय दिस बल्ब कितना होगा, तो हम क्या बोलेंगे, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, दैट इज इक्वल टू मंथ में, तो मंथ दिया रहेगा ना जनवरी फरवरी। बेटा आपको अगर मंथ में मंथ मेंशन नहीं हो तो आप 30 डेज का मंथ लोगे, ठीक है? ओके सर। सर 18 किलोवाट पर आवर। सो गाइस आज की हमारी वीडियो क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 60 वाट या ना जी, 60 वाट का बल्ब है, 10 घंटे चलता है 30 दिन, है ना? टोटल कितना चलेगा, 10 इंटू 30 घंटे चलेगा, है ना? तो हो जाएगा कितना, 300 घंटे। तो दिस इज इक्वल टू 60 इंटू 300 वॉट आर, दैट इज इक्वल टू 18,000 वॉट आर, दैट इज 18 किलोवाट आर। तो 18 यूनिट्स का एनर्जी कंज्यूम करेगा आपका इलेक्ट्रिक बल्ब इन अ मंथ, अगर आप उसे दिन में 10 घंटे चलाते हो। तो कोई बल्ब को चलाता है कि दिन में 10 घंटे कोई चलाता है, दिन में 10 घंटे बल्ब कौन रखता है क्या? नहीं सर। और उसके अलावा बल्ब भी कोई नहीं चलाता, 60 वाट का बल्ब कौन यूज करता है आजकल के डेट में, कोई यूज नहीं करता। हम लोग तो 10 वाट का और 15 वाट का, ज्यादा से ज्यादा 20 वाट का बल्ब यूज करते हैं ना, मतलब बल्ब नहीं होता आजकल, क्या होता है एलईडी होता है, 15 वाट, 16 वाट, 20 वाट। तो 20 वाट का अगर होगा तो महीने भर में अगर आप रोज 6 घंटे चलाओगे तो काफी कम एनर्जी कंज्यूम करेगा, देख ले कितना करेगा, 20 वाट इंटू 6 आवर्स अ डे इंटू 30 डेज कितना हो गया, 600 इंटू 6 कितना हुआ, 3.6 किलो वॉट आर, 3.6 किलो वॉट आर सिर्फ इतनी एनर्जी कंज्यूम करेगा आपका बल्ब, ठीक है? मतलब 3.6 किलो वॉट आर का मतलब आपके अगर घर में बिजली 5 रुपए यूनिट मिल रही है तो महीने भर में 18 रुपए की यूनिट कंज्यूम करेगा एक एलईडी बल्ब, जो कि बहुत महंगा नहीं है किसी भी और सोर्स से, जिससे आप घर में लाइट ला सकते हो, ठीक है? तो ये आपका किलोवाट आवर का डेफिनेशन हुआ। और इस तरीके से क्वेश्चन ज्यादा ही बन सकते हैं, मैंने सिर्फ एक बल्ब का बताया, बोलेगा नहीं घर में 10 बल्ब हैं, 5 पंखे हैं, 6 नहीं, 1 फ्रिज है, कुछ और है, फलाना ढिमकाना, सबका पावर दे देगा, सबको बता देगा ये इतनी देर दिन में ऑन रहता है, ये इतनी देर दिन में ऑन रहता है, बताओ महीने में कितने यूनिट कंज्यूम होगा। और अगर एक यूनिट के लिए सरकार 6 रुपये लेती है, क्या कंपनी 6 रुपये लेती है, तो बताओ महीने भर में बिजली का बिल कितना आएगा। इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, ठीक है बेटा? ओके सर। नेक्स्ट है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो, हमने कहा कि जब रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो करेगा तो कुछ एनर्जी रेजिस्टेंस कंज्यूम करेगा। अब एनर्जी जब रेजिस्टेंस कंज्यूम करेगा वो अलग अलग फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर सकता है। बल्ब के केस में हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी दोनों के फॉर्म में कन्वर्ट होती है। आपके एलईडी में मोस्टली लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, थोड़ा बहुत हीट भी प्रोड्यूस होता है, लेकिन कई जगह ऐसी होती हैं जहां हम चाहते हैं कि हमारी पूरी की पूरी एनर्जी हमको हीट की फॉर्म में ही मिले, जैसे कि इलेक्ट्रिक हीटर और इलेक्ट्रिक आयरन या इलेक्ट्रिक गीजर। तो इन जगहों पर, इन चीजों में कितना एनर्जी, कितना हीट मिलेगा ये हमें बताना है। और सीधी सी बात है, जितनी एनर्जी कंज्यूम होगी इलेक्ट्रिसिटी की उतनी ही एनर्जी का हीट मिलेगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो जो हीट प्रोड्यूस होगी दैट इज सिंपली आई स्क्वायर आर इंटू टी, और थर्मल पावर जो प्रोड्यूस होगा
वो कितना हो जाएगा, सिंपली आई स्क्वायर आर या फिर वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल पावर हमारे रेजिस्टेंस में प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब इस पर मैंने एक अच्छा खासा क्वेश्चन आप लोगों को कराया था उन वीडियोस में। मैंने कहा था कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है, इसमें दो रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये दो रेजिस्टेंसेस, लेट्स से R1 और R2। कहा गया कि अगर मैं सिर्फ रेजिस्टेंस R1 को यूज करूं तो टाइम क्या बोलते हैं 15 मिनट्स में पानी गर्म हो जाता है, जितना भी पानी हमें गर्म करना है, और R2 का रेजिस्टेंस का अगर यूज करते हैं तो उतना ही पानी गर्म होने के लिए 30 मिनट्स लगते हैं। कहा गया है या पूछा जाता है कि अगर इन दोनों रेजिस्टेंसेस को हम सीरीज में लगा दें तो कितनी देर में पानी गर्म होगा, और अगर हम इन्हीं दोनों रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में लगा दें तो कितनी देर में पानी गर्म होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, एक रेजिस्टेंस से 15 मिनट में, दूसरे रेजिस्टेंस से 30 मिनट में, तो हमें बताना है कि अगर दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में लगे होंगे तो पानी गर्म होने में कितना टाइम लगेगा, और अगर दोनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगे होंगे तो पानी गर्म होने में कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि लेट्स से हीट रिक्वायर्ड, जो हीट रिक्वायर्ड है किस चीज के लिए, पानी गर्म करने के लिए, उस वो आपका मान लेते हैं क्यू है। ठीक है, अब आप बताइए मुझको, ये रेजिस्टेंसेज आप चाहे सीरीज में लगाओ, चाहे पैरेलल में लगाओ, चाहे इंडिविजुअली लगाओ, लगाओगे तो अपने प्लग में ही, और प्लग में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 220 वोल्ट है, मतलब हमारे घर के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई हो रहा है उसी पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। तो पहला रेजिस्टेंस में R1 में भी अगर हम सिर्फ R1 लगा रहे हैं तो 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करेंगे, सिर्फ R2 लगाएंगे तब भी 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करेंगे, R1 R2 दोनों सीरीज में लगा देंगे तब भी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट का ही लगाएंगे, और अगर दोनों को पैरेलल में लगा देंगे तब भी हम ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट का ही अप्लाई करेंगे। तो हर केस में क्या चीज सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, समझ में आई बात। तो आप यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, आप यहाँ पे चारों केसेस में वी स्क्वायर बाय आर फॉर्मूला ही यूज करोगे। ये चीज क्लियर होना बहुत जरूरी है कि क्योंकि जिन चार केसेस के बारे में हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअली, कौन कौन से चार केसेस, इंडिविजुअली R1, इंडिविजुअली R2, R1 R2 सीरीज और R1 R2 पैरेलल, इन चारों ही केसेस में क्योंकि घर में सप्लाई तो 220 वोल्ट का ही आ रहा है, इसलिए चारों ही केस में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, दैट इज 220 वोल्ट। तो चारों केसेस में हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, V स्क्वायर बाय R का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम कहेंगे यहाँ पे कि लेट से 15 मिनट को मैं T1 कह देता हूँ और 30 मिनट को T2 कह देता हूँ, तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि V स्क्वायर बाय R1 into T1 is equal to Q। ये हमारे क्वेश्चन में दे रखा है कि सिर्फ जब रेजिस्टेंस R1 लगाया था तो 15 मिनट में पानी गर्म हो गया था। दूसरी क्वेश्चन के लिए मैं लिख सकता हूँ कि V स्क्वायर बाय R2 into T2 is equal to Q। दोनों हीट सेम है क्योंकि सेम पानी को गर्म करने के लिए यूज हुई है। अब हमें बताना है कि अगर सीरीज में लगाएंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो मैंने यहाँ के लिए कहा कि सीरीज के लिए बोल रहा हूँ मैं, पहले सीरीज के लिए पहले सॉल्व करूंगा फिर पैरेलल के लिए सॉल्व करूंगा। सीरीज के लिए अगर मैं कहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि जो आपका रेजिस्टेंस होगा वो हो जाएगा R1 प्लस R2, तो V स्क्वायर अपॉन R1 प्लस R2 इंटू टाइम सीरीज इज इक्वल टू क्यू। इसका मतलब ये हो गया कि टाइम इन सीरीज इज इक्वल टू, सर अगर सीरीज में लगाएंगे तो सर क्या होगा टाइम, हाँ क्या बोले सर, सीरीज में लगाएंगे सर, सीरीज में लगाएंगे तो सर टाइम क्या होगा, वही तो निकाल रहे हैं, उसको मैंने टी सीरीज से टीएस से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू क्यू इनटू आर वन प्लस आर टू बाय वी स्क्वायर, है ना। अगर सीरीज में लगाएंगे तो पावर कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन सीरीज का रेजिस्टेंस दैट इज आर वन प्लस आर टू,
तो वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर टू पावर इंटू टाइम इन सीरीज इज ऑल्सो इक्वल टू क्यू, क्योंकि सेम पानी गर्म करना है तो टाइम इन सीरीज लगा इतना। मैंने इसको मैं आराम से लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज टाइम इन सीरीज इक्वल टू क्यू बाय वी स्क्वायर इंटू आर वन प्लस क्यू बाय वी स्क्वायर इंटू आर टू। और यहां से मैं देख सकता हूं कि q into r1 by v square is t1 and q into r2 by v square is t2. So clearly from equation 1 and equation 2, this is equal to t1 plus t2, that is equal to 15 minutes plus 20 plus 30 minutes is equal to कितना हो गया 45 minutes। तो अगर आप दोनों resistances को series में लगा दोगे तो time जो required है वो बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, रेजिस्टेंस बढ़ाने पे पावर घट जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है। वहीं अगर मैं पैरेलल के बारे में बात करूं तो पैरेलल के केस में क्या लिख सकता हूं, वी स्क्वायर अपॉन आर पैरेलल इनटू टाइम सीरीज इज इक्वल टू क्यू, टाइम सीरीज नहीं टाइम पैरेलल इज इक्वल टू क्यू। समझ में आई बात? v square upon equivalent resistance, parallel combination में equivalent resistance कितना है? R parallel, v square upon R parallel into time parallel is equal to Q. This implies time parallel is equal to Q into, एक काम करते हैं, this implies v square into 1 by R parallel को क्या लिख सकता हूँ मैं? 1 by R1 plus 1 by R2 is equal to Q upon T parallel, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो V square by R1 is equal to Q by T1 और V square by R2 is equal to Q by T2। So V square by R1 को मैं Q by T1 से represent कर सकता हूँ और V square by R2 को Q by T2 से represent कर सकता हूँ। This is equal to Q upon T parallel। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया कि 1 by time parallel is equal to 1 by T1 plus 1 by T2, ठीक है। 1 by time parallel is equal to 1 by T1 plus 1 by T2। तो यहां से मुझे मिला 1 by time parallel is equal to 1 by T1 plus 1 by T2, अगर मैं लिख रहा हूं तो यहां से मुझे मिलता है, यहां से क्या मिलता है मुझको, कि 1 by time parallel is equal to 1 by 15 plus 1 by 30, that is equal to 3 by 30. This implies time parallel is equal to 10 minutes. 10 मिनट में पानी गर्म हो जाएगा अगर आप parallel में लगाओगे तो। Parallel में लगाने पे time कम लगा, series में लगाने पे time ज़्यादा लगा। क्यों लगा ऐसा? क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जब series में लगाए तो resistance बढ़ गया, इसलिए power घट गया। और जब parallel में लगाए तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया, इसलिए पावर इंक्रीज हो गया। पावर इंक्रीज हो रहा है, पावर रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये कैसे पता चल रहा है हमको? ये ऐसे पता चल रहा है कि हर केस में, चारों केसेस में आपका सेम क्वांटिटी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। इसलिए चारों ही केसेस में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने की वजह से मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, दैट मीन्स पावर इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर, ठीक है। तो इसको एक बार फटाफट कॉपी कर लेंगे। सर अंधेरा हो गया। अंधेरा हो गया? हाँ, स्क्रीन मतलब अभी अभी उजाला हो जाएगा, चिंता ना करें। ठीक है। हाँ सर। यस सर। इसको कॉपी कर लीजिए। सर कर लिए। सर हो गया सर।
सर अब तो ये चैप्टर खत्म हो गया ना? आवाज आ रही है अब? हाँ सर। तो इस तरीके के क्वेश्चन तो अगर खत्म हो गया क्या बेटा? आपकी आवाज एकदम क्लियर नहीं है बेटा, मैं अपनी बात बोल दे रहा हूँ आपको। अगर कुछ चीज बोलना है तो चैट में बोल दीजिए, क्योंकि आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूँ अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व कर पाते हो तो आपको पावर जैसे टॉपिक में घबराने वाली कोई बात नहीं, ठीक है? मतलब आपको पावर वाला टॉपिक पूरा आता है, ठीक है आपके लेवल पे। वैसे और भी चीज़ें हैं इस टॉपिक में, पर वो मैं बाद में कभी एडवांस क्लास टाइप की क्लास में पढ़ा दूंगा, ठीक है? सर एडवांस क्लास कब होगा बेटा? वो सब रिज्यूम क्लासेस जब रेगुलर रिज्यूम हो जाएंगे उसके बाद ही होगा। ऑनलाइन में एडवांस क्लास लेना पॉसिबल नहीं है, मतलब वो हो ही नहीं पाएगा। मैं ऑलरेडी इसलिए इस क्लास में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बताता रहूंगा। सर जो पिछला साल जो आप करवा दिए हो फिर से इस बार करवाएंगे एडवांस में कहीं हुआ तो? बेटा मेरे को तो वो सब करवाना ही है दोबारा से, और उसके बाद उसके ऊपर भी लेके जाना, उससे एक्स्ट्रा भी बताना है। ओके सर। हाँ तो हम देख रहे थे क्या डोमेस्टिक, अगला टॉपिक हमारा क्या होगा? डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या होगा? डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। इसके लिए मैं एक बार कहीं से हाँ आपका एक बार, वैसे तो ये टॉपिक जो है आपके मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में है, पर फिर भी मैं एक बार यहाँ पे बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं बेसिक तो इसका बता ही चुका हूँ आपको। क्या बताया था मैंने बेसिक में? कि घर में जो सप्लाई होता है उसमें जो कनेक्शंस होते हैं हमेशा आपस में पैरेलल में होते हैं। सारे के सारे जो हमारे डिवाइसेस हैं वो एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है? अब मैं थोड़ा सा घर के सर्किट के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है? देखो आपके हमारा जो घर है उसमें कुछ इस तरीके का सर्किट होता है, ठीक है? क्या होता है कि एक लाइव वायर है। कौन सा वायर होता है? लाइव वायर होता है, जो कि जनरली रेड कलर का होता है, ठीक है? क्या होता है ना बेटा, एक घर में लाइव वायर आता है, एक न्यूट्रल वायर आता है। न्यूट्रल वायर का कलर क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? ब्लैक सर, ग्रीन और येलो। देखो बेटा अलग अलग सिस्टम्स हैं, आपकी बुक में लिखा हुआ है ब्लैक, मैं ब्लैक ही बोल रहा हूँ, ठीक है? एक रेड वायर होता है जो कि जिसको लाइव वायर कहते हैं, एक न्यूट्रल वायर होता है जिसको हम ब्लैक इंसुलेशन लगाते हैं जिसके ऊपर, और ये हमारे इलेक्ट्रिक बोर्ड और फ्यूज, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है ना वो हमारे घर से पहले एक फ्यूज लगाता है, उसके थ्रू घर में घुसता है। घर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पहले फ्यूज क्यों लगाता है? ताकि कहीं ऐसा ना हो कि आप जरूरत से ज्यादा बिजली कंज्यूम कर लो और उस आपके कंजम्पशन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कोई दिक्कत हो जाए, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कोई दिक्कत ना हो जाए या फिर आपके घर में कोई आग ना लग जाए, इसलिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से एक फ्यूज लगा होता है। अगर रीजन ये भी है ना कि हाई इलेक्ट्रिक करंट अगर पास होता है, वही बता रहे हैं। इसका पर्पस क्या होता है कि अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जितने यूनिट एनर्जी कंज्यूम करने का है, जितना पावर कंज्यूम करने का कनेक्शन लिया है, उससे ज्यादा पावर अगर आप कंज्यूम करने की कोशिश करते हो तो ये सर्किट यहीं से टूट जाएगा, आपके घर की बिजली चली जाएगी, ठीक है? तो ये फ्यूज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से लगा होता है, आपके घर से बाहर ही लगा होता है। इनफैक्ट इसके बाद में आपका इलेक्ट्रिक मीटर होता है, इलेक्ट्रिक मीटर इसके बाद लगा होता है। इलेक्ट्रिक मीटर क्या करता है? ये मेजर करता है कि आपके घर में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है,
किस यूनिट में मेजर करता है ये? ये मेजर करता है किलो वॉट आर में, ठीक है। इसके अलावा एक थर्ड वायर और होता है जिस जो कि अर्थ होता है, ठीक है। काम करता हूँ, मैंने इसको ब्लैक बोला और लिख दिया है ग्रीन से, ये एक्चुअली वायर ब्लैक है, ये ब्लैक है, ब्लैक कलर नहीं है, ब्लू है लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और ये जो अर्थ वायर है ये इसको हम लोग, इसकी जगह हम लोग ग्रीन वायर यूज करते हैं। क्या होता है बेटा कि जो इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन जहां हो रहा है, जिस लोकेशन पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा है, वहीं पर ये न्यूट्रल वायर जो है ये ग्राउंड से कनेक्टेड होता है। कहां पे कनेक्टेड है ये? जहां प्रोडक्शन हो रहा है वहीं पर। और ये अर्थ वायर आपके घर के पास में आके ग्राउंड से कनेक्टेड होता है, ठीक है। मतलब आपने घर के बाहर गाड़ते हो। ये जो अर्थ वायर है इसका पर्पस सिर्फ एक होता है, सेफ्टी रीजन से। ये जो लाइफ वायर है इसी पर मेन पोटेंशियल होता है, क्योंकि अर्थ वायर का मानते हैं कि पोटेंशियल जीरो है। हम मानते हैं कि हमारा जो अर्थ वायर है उसका पोटेंशियल जीरो है, और उस जो लाइफ वायर है उसी के पास जो भी पोटेंशियल है वो होगा, ठीक है। ये वायर भी अर्थ किया हुआ, ये वायर भी अर्थ किया हुआ, पर दोनों के अर्थ करने की पोजीशन डिफरेंट है। ये वाला अर्थिंग आपके इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की लोकेशन पर है, ये वाली अर्थिंग आपने खुद अपने घर के बाहर या घर के पास में कर रखी है। क्या होता है, ये जो लाइव वायर आपके इलेक्ट्रिक मीटर में गए, इसके बाद ये एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जाते हैं जहाँ खूब सारे MCB वगैरह लगे होते हैं, जहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में आ रही है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम लोग अलग अलग कमरों के लिए। ये वाली इलेक्ट्रिसिटी इस कमरे में जाएगी, ये वाली इलेक्ट्रिसिटी इस कमरे में चली जाएगी, ये वायर्स इस कमरे में जाएंगे, वगैरह वगैरह। यहाँ पर उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा होता है, ठीक। इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से अलग अलग रूम्स में या घर के अलग अलग एरियाज में आपके दोनों वायर्स पहुँचते हैं। ये जा रहा है आपका देखो लाइव वायर, और ये जा रहा है आपका न्यूट्रल वायर। अब कोई भी अप्लायंसेज जो होगा, यहाँ पे प्लग्स बना रखे, तीन प्लग बना के दिखाए आपको, हो सकता है इस प्लग की जगह आपने सिर्फ डायरेक्टली कोई अप्लायंस लगा रखा हो, डायरेक्टली कोई बल्ब लगा रखा हो, तो कोई भी अप्लायंस में एक का जो दो टर्मिनल्स होंगे किसी भी अप्लायंस के, बल्ब के भी जैसे दो टर्मिनल होते हैं, उसमें से एक कनेक्टेड होगा लाइव से, दूसरा कनेक्टेड होगा न्यूट्रल से। तो लाइव और न्यूट्रल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसकी वजह से हमारे डिवाइस में करंट फ्लो करेगा, और वो उसी की वजह से हमारा डिवाइस काम करेगा। तो सर ग्रीन वायर या अर्थ वायर का क्या जरूरत पड़ गया? सर अर्थ वायर का जरूरत ये पड़ा कि कई बार क्या होता है, हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो लीक कर जाता है कुछ कारणों से, और जो हमारे बड़े अप्लायंसेज होते हैं जैसे कूलर, AC, इस तरीके की जो चीजें होती हैं, वो चार्ज जो लीक किया, करंट लीक करने की वजह से क्या होता है, कुछ चार्ज हमारे कूलर वगैरह की या आयरन वगैरह के जो हेवी अप्लायंसेज होते हैं उनकी बॉडी पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। अब अगर आप उस चार्ज्ड बॉडी को छुओगे तो आपको एक करंट लगेगा। आपको उस करंट से बचाने के लिए क्या करते हैं, उसकी बॉडी को हम लोग अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, सो दैट कोई भी चार्ज अगर उस बॉडी पे आए तो वो चार्ज इस वायर के थ्रू होते हुए अर्थ में पहुंच जाए और हमें नुकसान ना पहुंचाए, हमें झटका ना मारे। तो अर्थ वायर इज फॉर वन पर्पज ओनली, दैट इज योर सेफ्टी। कई बार कुछ बदमाश लोग नहीं बोलना चाहिए, कुछ बेवकूफ भी नहीं बोलना चाहिए, बट कम पढ़े लिखे लोग या ना समझ लोग या फिर लापरवाही में कई लोग इस अर्थ वायर का यूज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से कई एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। सेफ्टी के लिए हम लोगों ने दो चीजें देखी, क्या क्या, एक तो है फ्यूज और एक है अर्थिंग। फ्यूज पुराने जमाने में यूज होता था, आज के जमाने में हम यूज करते हैं MCB, बट फिर भी हमें अभी तक आपकी किताबों में फ्यूज ही पढ़ाया जाता है, क्योंकि फ्यूज समझना आसान है, MCB समझने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, क्लास 11th के ऑलमोस्ट एंड पे मैं समझा दूंगा। क्या होता है फ्यूज में, जब फ्यूज का जो वायर है वो कुछ ऐसा वायर होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा कम हो,
और रेजिस्टेंस एक डिसेंट सा हो। तो अगर आप घर में परमिटेड लिमिट से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हो सकता है आपके घर में हीट प्रोड्यूस होने की वजह से आग लग जाए। तो इससे पहले कि हमारे घरों में आग लगे हम क्या करते हैं, अपने फ्यूज में आग लगा लेते हैं। मतलब क्या होता है, ये जो फ्यूज है ना, हम क्या करते हैं कि जो वायर, इस वायर में से करंट जाएगा, फ्यूज में से जब करंट जाएगा तो फ्यूज में कुछ हीट प्रोड्यूस होगी और इस फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा कम होता है, इसलिए अगर ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो गई तो ये वायर मेल्ट हो जाएगा और हमारे घर की सप्लाई कट हो जाएगी और हमारे घर में आग लगने से बच जाएगी। तो इसलिए हम लोग इस फ्यूज का यूज करते हैं। अगर ये फ्यूज कट जाए तो हमें नया फ्यूज वायर लाके यहाँ पे लगाना होता है, इसे रिप्लेस करना होता है, क्योंकि पिछला वाला फ्यूज वायर तो मेल्ट हो गया ना, तो अब नया वाला वायर लाके लगाना होगा। ये इस सिस्टम का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है और था। क्यों होता क्या था, आप खुद सोचिए, हम सब आलसी हैं, हमारे घर में फ्यूज वायर कट जाएगा, बिजली तो हमें चाहिए, हम मार्केट से तुरंत जाके फ्यूज वायर लाके उसे रिप्लेस करें, इतना सब्र हमारे में होता नहीं था। कभी कुछ लोग जो ऐसा सब्र दिखाते भी थे, क्या करते थे, वो एक बार जाते थे फ्यूज वायर लाते थे लगा देते थे, अगले दिन फिर अगर कट गया फिर अगले दिन जाते थे फ्यूज वायर लाते थे लगा देते थे। मान लेते दो हफ्ते बाद फिर से कट गया तो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते थे और बोलते थे हमें फ्यूज वायर चाहिए ही नहीं, वो उस फ्यूज वायर की जगह कॉपर वायर लगा देते थे, मतलब इस फ्यूज का कोई यूज ही नहीं बचता था किसी, ये एक यूजलेस चीज हो जाती थी। इसलिए हम लोग अब फ्यूज वायर से मूव कर गए हैं MCB पे, क्योंकि MCB क्या होता है, गर्म होने पे बस ऑफ हो जाता है, उसको थोड़ी देर बाद ऑन कर दोगे फिर से काम करने लग जाएगा, आपको फ्यूज वायर की तरह उसे रिप्लेस करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, इस सब में एक चीज बहुत जरूरी हो जाती है, एक आपका होता है मेन स्विच। मेन स्विच आपके इस डायग्राम में दे नहीं रखा, बट मीटर के बाद एक मेन स्विच लगा होता है। नॉर्मली आपने जो कीज पढ़ी है इलेक्ट्रिक सर्किट की, वो की कुछ ऐसी होती है, सिंगल होता है, मतलब ये आपका लाइव वायर है और ये न्यूट्रल वायर है, सिर्फ लाइव वायर में ये की लगी होती है। बट जो मेन स्विच होता है उसमें आपका जो स्विच है कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, आपके ये दोनों के दोनों, लाइव और न्यूट्रल दोनों में कनेक्शन काट दिया जाता है यूजिंग दिस मेन स्विच। ठीक है, नॉर्मल की जो होता है उसमें सिर्फ लाइव वायर का कनेक्शन काटते हैं, अगर ऑफ कर दिया तो सिर्फ लाइव वायर का कनेक्शन कटता है, लेकिन जो मेन स्विच है उसमें दोनों वायर का कनेक्शन कट जाता है, इसको बाईपोलर स्विच कहते हैं। क्या कहते हैं, बाईपोलर स्विच। ठीक है सर, इसका एडवांटेज क्या है दोनों स्विच, दोनों? बेटा हम कोई चांस नहीं लेना चाहते घर में, हम लोग बिजली गई तो पूरी जगह काटो, मतलब कोई चांस नहीं लेना चाहते कि भैया इधर से नहीं उधर से करंट आ गया, ऐसा कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहते। ठीक है, क्या पर्पस है, सिर्फ और सिर्फ मेन स्विच आपके घर में क्यों लगाया गया, सिर्फ सेफ्टी पर्पस के लिए। क्यों, अगर आपको लगा आपके घर में कहीं इलेक्ट्रिक वायर में आग वाग लग रही है तो स्विच विच इंडिविजुअल कमरे के कितने ऑफ करोगे, तुरंत बाहर भागो, बाहर से मेन स्विच ऑफ करो और घर के बाहर भागो और फायर डिपार्टमेंट को फोन करो कि आइए मेरे घर में आग लग रही, बुझाइए इसको। अपने घर में एक एक कमरे में जाके आपको स्विच ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़े, इसलिए ये मेन स्विच। और हम चाहते हैं कि मेन स्विच ऐसा हो कि भैया कनेक्शन कट मतलब कट, कोई रिस्क ना हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि जो आपका स्विच है वो खराब हो जाए, मेन स्विच खराब हो गया तो ऑफ करने के बाद भी ऑन रह जाए। कभी कभार होता है ना आपका स्विच, घर का जो नॉर्मल स्विच होता है वो खराब हो जाता है, ऑफ हो ही नहीं रहा होता बटन, ऐसा होता है कि नहीं होता, हुआ है कभी? यस सर, हुआ था। हम वो चांस अपने मेन स्विच के साथ नहीं ले सकते। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। इसलिए हम लोग यहाँ पे बाईपोलर स्विच लगाते हैं कि कनेक्शन कट मतलब कट। ठीक है, रिस्क को बेसिकली मिनिमाइज कर रहे हैं और कुछ नहीं। ओके सर। अब देखो होता क्या है ना कि हमारे घरों में जो हाउस की वायरिंग होती है वो दो सिस्टम में होती है, एक होता है ट्री सिस्टम और एक होता है रिंग सिस्टम। एक होता है ट्री सिस्टम और एक होता है रिंग सिस्टम। जो ट्री सिस्टम होता है उसमें क्या होगा, एक बार डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बाद हर कमरे के लिए, मान लो रूम 1 है, ये रूम 2 है, ये रूम 3 है, ये रूम 4 है, हर कमरे के लिए अलग अलग दो वायर जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से। ठीक है, अलग अलग दो वायर जाएंगे, एक लाइव और एक न्यूट्रल।
और इन्हीं दो वायर्स के बीच में आप अलग अलग कनेक्शन कर दोगे। ये एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगाया, ये दूसरा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगाया, एंड सो ऑन। ठीक है, बस ये ऐसा ही रहेगा। ठीक, इस कमरे के लिए अलग जाएगा, इस कमरे के लिए अलग जाएगा। क्या होगा, ट्री के जैसा सिस्टम बनेगा, ब्रांचेस होंगी और हर एक ब्रांच में एक पॉइंट पे जाके ये सर्किट आपका खत्म हो जाएगा। इस तरीके का सिस्टम होता था ट्री सिस्टम। रिंग में क्या बोला हम लोगों ने, नहीं हम ऐसा नहीं करें। रिंग में हम लोग क्या करें, मान लो ये वही कम, मैं एक ही कमरे का घर बना रहा हूँ इसके लिए भी, लेकिन यहाँ पे एक फर्क होगा। रिंग सिस्टम में क्या होगा, आपका जो मेन स्विच है उससे जो जो लाइव वायर, जो न्यूट्रल वायर आया, वो पूरे कमरे में ऐसे घूम कर वापस अपनी जगह पे ऐसे जुड़ जाए, और लाइव वायर भी कुछ ऐसी हरकत करेगा, ऐसे करके अपने आप से वायर वापस से सारे कमरों में होता हुआ जाके वापस अपने आप में जुड़ जाएगा। कोई एंड नहीं होगा यहाँ पे, क्या एक एंड हो गया, मतलब लाइव वायर यहाँ तक गया खत्म, न्यूट्रल वायर यहाँ तक गया, न्यूट्रल वायर यहाँ पे खत्म। ठीक है, वापस घूम के नहीं आ रहा था ट्री सिस्टम में, लाइव इसमें भी वापस से घूम कर, मतलब लाइव वायर या न्यूट्रल वायर दोनों में से कोई भी वायर घूम के वापस अपने आप से जुड़ा हुआ नहीं था। तो रिंग सिस्टम में वायर पूरा लूप बना रहे होते हैं। तो आप बोलोगे सर इससे क्या फायदा हुआ, हम इतनी मेहनत क्यों करेंगे, इसमें तो ज्यादा वायर लग गया। देखो बेटा इसमें ज्यादा वायर नहीं लगा। क्यों नहीं लगा, क्योंकि आपका अलग अलग जगह पे जहां पर भी आपके कमरे में स्विच बोर्ड चाहिए वो सब जगह पे स्विच बोर्ड आपने लगा लिया। हर जगह स्विच बोर्ड लगाने के लिए इसमें भी वायर तो उतना ही खर्चा हो जाएगा, लेकिन फर्क क्या रहेगा। देखो मान लेते हैं आपका कोई डिवाइस यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा हुआ, कोई एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, उसका पंखा, उसका बल्ब, कुछ भी हो, क्या होगा। अब इसमें लाइव वायर से करंट मान लेते हैं ऐसे आया और न्यूट्रल वायर में करंट ऐसे चला गया, लाइव वायर से करंट आया न्यूट्रल वायर में चला गया। लेकिन अच्छी चीज ये हो गई कि लाइव वायर के थ्रू जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उसमें करंट जाने के दो रास्ते हैं, करंट इधर से भी आ सकता है और इधर से भी आ सकता है। न्यूट्रल वायर में जब करंट जाएगा तो करंट के पास फिर से दो रास्ते हैं, करंट इधर भी जा सकता है, करंट इधर भी जा सकता है। मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जब हमने ऑन किया तो करंट इधर से भी ड्रॉ कर रहा है और करंट को इधर से भी ड्रॉ कर रहा है। मतलब किसी भी वायर की एक लोकेशन पे इलेक्ट्रिसिटी का जो लोड है वो कम हो गया। इस सिस्टम में मान लो ये हमारे जो डिवाइस है 2 एम्पियर का करंट खाता है, ये की डिवाइस मान लेते हैं, तो पूरा का पूरा 2 एम्पियर इस वायर से आया और इस वायर से वापस 2 एम्पियर चला गया। बट यहाँ क्या हुआ, अगर ये डिवाइस 2 एम्पियर खाता है तो 1 एम्पियर इधर से आया, 1 एम्पियर इधर से आया, 1 एम्पियर इधर से गया और 1 एम्पियर इधर से गया। मतलब हमारा जो वायर है उस पर लोड कम हो गया, वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, मतलब उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जो हमें कंडक्ट करनी पड़ रही है वो कम हो गई। मतलब हमारे इस वायर में हीट कम प्रोड्यूस होगी, ये वायर देर से जलेगा, इसलिए हम यहाँ पर हमें मोटा वायर यूज़ करना पड़ रहा था, यहाँ हम पतला वायर यूज़ करके काम चला सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा वायर ज़्यादा इफिशियंट हो गया। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर इस सिस्टम में मान लो यहाँ पर ये वायर टूट गया तो हमारा डिवाइस पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। क्योंकि रिंग सिस्टम में अगर मान लो ये वायर यहाँ से टूट भी जाए तो करंट इधर से नहीं आएगा, कम से कम इधर से तो आएगा। तो हमारा जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं उनके काम करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो देरी से खराब होते हैं। इसलिए हम आजकल कौन सा सिस्टम यूज करते हैं, रिंग सिस्टम यूज करते हैं, जो ज़्यादा इफिशियंट होता है। ठीक है, पुराने जमाने में ट्री सिस्टम यूज होता था, अब हम सिर्फ रिंग सिस्टम यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। सर ट्री सिस्टम में क्या ऑल्टरनेटिंग करंट जाता है? बेटा दोनों सिस्टम में ऑल्टरनेटिंग करंट जाता है। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट, लेकिन मैंने अभी तक आपको पढ़ाया नहीं इसलिए मैं ऑल्टरनेटिंग करंट की भाषा में बात नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि अगर ऑल्टरनेटिंग करंट की जगह डायरेक्ट करंट भी होता ना तब भी दोनों सिस्टम काम करते, इसलिए मैंने डायरेक्ट करंट मानते हुए आपको ये सिस्टम पढ़ा दिए हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट में भी ये सिस्टम काम करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? देखो ट्री सिस्टम और रिंग सिस्टम थोड़ा सा मैंने देखा है आप लोग कन्फ्यूज रहते हो, हमेशा हर साल की बात है स्टूडेंट्स कन्फ्यूज रहते हैं, इसलिए मैंने इसको अलग से पहले ही पढ़ा दिया। ठीक है,
बाकी जो क्लास चल रही है फिजिक्स की मॉर्निंग में, उस क्लास में ये चैप्टर जो सेकंड चैप्टर है वो कितना हो गया, पूरा खत्म हो गया है बाकी है अभी? अरविंद सर जो क्लासेस ले रहे हैं उसमें ये चैप्टर खत्म हो गया कि बाकी है? सर खत्म हो गया। खत्म हो गया, लेक्चर भी खत्म हो गया, ट्री सिस्टम रिंग सिस्टम सब कुछ खत्म हो गया था? सर ने ये नहीं पढ़ा है, ट्री सिस्टम रिंग सिस्टम नहीं पढ़ा है सर। कोई बात नहीं, आपको समझ में आ गया ना ट्री सिस्टम रिंग सिस्टम? हाँ सर, मैंने उनको कहा था कि ये चीज मैं पढ़ा दूंगा, वो ना पढ़ाए, ठीक है, इसलिए मैंने अभी पहले ले भी लिया, मैंने उनको कहा था ये बात, ठीक है, क्योंकि इसमें मैं हर साल देखता हूँ कि आप लोग कंफ्यूज जाते हो, अब कहीं कंफ्यूज होने के बाद उसको ठीक करना मुश्किल होता है, रदर देन पहली बार में कंफ्यूजन क्लियर करते हो पूरा पढ़ा देना, ठीक है? वो लंग्स में, तो समझ में आया ये ट्री सिस्टम और रिंग सिस्टम दोनों पूरा? हाँ सर, अच्छे से। ठीक है, तो अब आते हैं फिर से हमारे सेफ्टी मेजर्स पे, सेफ्टी मेजर्स इन यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के यूसेज में सेफ्टी मेजर्स क्या क्या है? इलेक्ट्रिक फ्यूज है और अर्थिंग है, दो डिवाइस मैंने बताया था ना, दो सिस्टम, दो चीजें हैं सेफ्टी के लिए, एक इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज करते हैं, दूसरा अर्थिंग का यूज करते हैं, ठीक है? इन दोनों के बारे में तो बात कर चुके हैं। और क्या होता है? शॉर्ट सर्किटिंग एंड ओवरलोडिंग। बेटा ये सब तो आप किताब में, आप बुक से रीडिंग लगाने वाली चीजें, ठीक है, लगा लेना रीडिंग। शॉर्ट सर्किट क्या होता है ना बेटा, कि कभी कभार जो मैंने आपको ट्री सिस्टम दिखाया या रिंग सिस्टम दिखाया, देख वापस से दिखाता हूँ आपको, इस सिस्टम में मान लो कि कुछ ऐसा गड़बड़ हुआ, ये जो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर है ये आपस में किसी तरीके से कनेक्ट होगा, तो क्या होगा? सोचिए यहाँ का पोटेंशियल 220 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल 0 वोल्ट, इन दोनों के बीच में 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और एक कनेक्टिंग वायर लग गया, मतलब कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो पावर कितना हो जाएगा? वी स्क्वायर बाय रेजिस्टेंस, बहुत छोटा, 0 मान लो, तो बहुत बड़ा पावर हो गया, मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी और आपके घर में आग लग सकती है। इस आग के लगने से बचने के लिए ही हम लोगों ने पहले फ्यूज लगाया था कि बहुत ज़्यादा करंट फ्लो कर ही ना पाए, इसी चीज को हम कहते हैं शॉर्ट सर्किटिंग या फिर ओवरहीटिंग, ठीक है? ओवरहीटिंग तब होता है जब रेजिस्टेंस बहुत कम यूज कर लो, शॉर्ट सर्किटिंग तब होता है जब आप रेजिस्टेंस निग्लिजिबल यूज कर लो या जीरो यूज कर लो, ठीक है? फिर ये प्रिकॉशंस और मैग्नेटिज्म इन, अच्छा ये तो खैर मैग्नेटिज्म का ही है पार्ट, वो सब बाद में देखेंगे, ठीक है? चलो फिर आज की क्लास भी खत्म हो गई करंट लेक्चर की पढ़ते पढ़ते, आई होप अब तो कोई डाउट नहीं बचा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में? नहीं सर, अब कोई डाउट नहीं। ठीक है बेटा, तो आप लोगों का टेस्ट भी हो चुका करंट इलेक्ट्रिसिटी का? सब कुछ तैयार है चैप्टर, मतलब वो चैप्टर पूरा कंप्लीट है ना, बहुत ज्यादा डिटेल में होगा, 3-3 बार पढ़ाया गया आप लोगों को, ठीक है? अब अगर गड़बड़ होगी तो बहुत दिक्कत है ना? ठीक है, तो मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, ओके, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो चुका है। Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, bye. Good night, sir. Good night, brother.